विकास मॉडल को देश की जनता के सामने रखकर मोदी ने सत्ता हासिल की। अब उसी गुजरात के भरोसेमंद अधिकारी दिल्ली आ रहे हैं। ये वो अधिकारी हैं जो पिछले 11 साल से मोदी के साथ साये की तरह रहे और मोदी को बखूबी जानते और समझते। नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को हिदायतों की लिस्ट थमा दी है। प्रधानमंत्री ने अपने हर मंत्री को कुछ खास बातों का ध्यान रखने को कहा है। कौन सी वो बातें, देखिए इस रिपोर्ट। उमा भारती, सुषमा स्वराज, राधामोहन सिंह, मेनका गांधी, अनंत गीते जैसे तमाम मंत्रियों ने अपने विभागों की जिम्मेदारी संभाली और कुछ ही घंटे बाद उन्हें पीएमओ की तरफ से एक सर्कुलर मिला। इस सर्कुलर में नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों को खास हिदायतें दी थी। मंत्रियों से कहा गया कि वो अपने करीबियों रिश्तेदारों को अपना सेक्रेटरी या पीए नियुक्त न करें, दोस्तों या रिश्तेदारों को मंत्रालय के किसी भी पद पर न रखें, पुराने सेक्रेटरी या पीए को केवल इस वजह से न बदलें क्योंकि सरकार बदल गई है। तो अपने स्टाफ को नियुक्त करेंगे उसमें रिलेटिव्स को न रखें। बिल्कुल ठीक है, हम इससे 100% सही है, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा मोदी ने सरकारी खर्च को कम करने की भी हिदायत दी। मंत्रियों से कहा गया कि वो अपने ऑफिस और घर की साज सज्जा पर फिजूल खर्ची न करें। वहीं पीएमओ में नरेंद्र मोदी ने अफसरों के साथ बैठक कर ये भी कहा कि लोगों की समस्याओं को सबसे पहले निपटाने की कोशिश की जाए। इन हिदायतों से नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को मंत्र भी दिया और एक लकीर भी खींच दी।